तो यहाँ पर देखिए 5 लाख व्यूज है, 1.1 मिलियन व्यूज है, 4.4 मिलियन व्यूज है, 1.9 मिलियन व्यूज, यहाँ पर देखिए 4 मिलियन व्यूज, ऐसे लाखों मिलियन में व्यूज है। और यहाँ पर पिछले महीने इस चैनल पर 30 मिलियन व्यूज आए हैं, उससे पिछले महीने 34 मिलियन मैक्सिमम गए हैं, यहाँ पर 49 मिलियन। यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको खुद का अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा, जो कॉन्टेंट है दोस्तों मूवी के रिलेटेड है, जो आप काम करके यहाँ पर अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, व्यूज अच्छा खासा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अर्निंग भी करीब 3,000-4,000 डॉलर पर मंथ के करीब में होती है। तो नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इस व्यूज देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 39 मिलियन व्यूज इसके पिछले महीने आए, और इससे पिछले महीने 38 मिलियन व्यूज आए, और मैक्सिमम व्यूज गए हैं 128 मिलियन। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा रिवेन्यू जनरेट की होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको खुद का अर्निंग प्रूफ दिखा देता हूँ, जिसमें कि दोस्तों इस टाइप के कंटेंट पे मैं भी खुद वर्क कर रहा हूँ, तो आप भी करेंगे तो यहाँ पर आपको रिवेन्यू भी मिलेगा और अच्छे खासे व्यूज भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें कि मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, यहाँ पर देखिए व्यूज मेरे यहाँ पर गेन किए हैं इस टाइप के कॉन्टेंट पे 179,000। और इस टाइप के कॉन्टेंट सर्च इंजन बेस पर होते हैं, जिससे सर्चिंग से आपके ज्यादा व्यूज आते हैं, और जब व्यूज आते हैं तो आपकी ब्राउज फीचर में भी जाती है, वहां से भी व्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आरपीएम जो है एवरेज मिलता है, ना ज्यादा ना कम, और दोस्तों आपको उसमें भी अच्छी खासी रिवेन्यू जनरेट होती है। तो यहाँ पर देखिए 8 मिनट की मैंने लॉन्गर वीडियो बनाई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसने रिवेन्यू जनरेट किया है वो है 134.48 डॉलर। तो यहाँ पर इस तरीके का जनरेट किया, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया ना ही ज्यादा है ना ही कम, लेकिन एवरेज है, आपको कभी ज्यादा मिल जाता है कभी कम मिल जाता है। अब ये 8 मिनट की वीडियो थी, तो इसमें मैंने बीच में काफी एड लगाए, जिसकी वजह से इतना यहाँ पर एड जनरेट हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देखिए, यहाँ पर 4 मिनट की ये वीडियो है, जिसमें कि यहाँ पर इसके व्यूज आए 1,39,000, और यहाँ पर एस्टिमेट रिवेन्यू हमारा सिर्फ 89 डॉलर का बना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ आपको यहाँ पर आरपीएम एवरेज मिलता है। तो यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट यूट्यूब मेथड रिलेटेड कॉन्टेंट का अर्निंग प्रूफ है, जो की यहाँ पर आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा आपने कीवर्ड रिसर्च करके कैसे काम करना है। और दोस्तों ये सारा का सारा प्रोसेस जो है यहाँ पर आप देखिए, जो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा, सबसे पहले आपने प्ले लिस्ट कौन सी बनानी है इस कॉन्टेंट पर, जो आप यहाँ पर यूट्यूब पे कॉपी पेस्ट वर्क करेंगे उसके रिलेटेड, और सेकंड कंडीशन बताइए क्या क्या आपने रखनी है, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, और वीडियो मेकिंग की क्या कंडीशन है वो यहाँ पर पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, और यहाँ पर रैंक करने के जो फैक्टर है वो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है, जो कि कॉपी पेस्ट मेथड जो कि आपकी नई वीडियो को सजेशन में भेजने का काम करता है, ये मेथड मैंने बताया। दूसरा यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीड आईक्यू का एक्सटेंशन है जिसका यूज करना है, मैंने आज की वीडियो में बताया। और यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताया अर्निंग एफिलिएट, इसके अंदर आपको एफिलिएट अर्निंग भी मिलती है और गूगल एड्स। तो यहाँ पर ये सब जानने के लिए बस आपने वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप टेक्निफोरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके ऑनलाइन अर्निंग करने के, और यूट्यूब कॉपी पेस्ट रिलेटेड मेथड भी, और इस चैनल पर आपको काफी सारी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती है, तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो ये सब काम करने के लिए दोस्तों आपने सबसे पहले कंडीशन को मानना होगा, जो कि सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपने 30 डेज रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करना है, जब भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब उसके बाद दोस्तों आपका अगला स्टेप आता है कि आप प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी एक कैटेगरी को चुन ले। तो यहाँ पर मेरे सामने 4 कैटेगरी है, जिनमें से आपने कोई सी एक कैटेगरी को चुनना है, हॉलीवुड या बॉलीवुड या कार्टून या साउथ, इनमें से कोई भी एक चुनने के बाद, जैसे कि एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बंदे ने हॉलीवुड कैटेगरी चुनी, तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेंट कौन सा प्रोवाइड किया, टॉप 10 बेस्ट हॉरर मूवी इन हिंदी और इंग्लिश, ये सारी हॉरर मूवीज हॉलीवुड है। उसके बाद टॉप 20 सर्वाइवल मूवीज इन वर्ल्ड, तो यहाँ पर ये सर्वाइवल मूवीज 20 बताई गई हैं, जो सर्वाइवल से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर हॉलीवुड है। उसके बाद यहाँ पर बॉलीवुड भी बताई गई है, तो यहाँ पर इन्होंने मिक्स भी कराया। और यहाँ पर देखिए और चैनल दिखाता हूँ एक और, जिसमें कि यहाँ पर देखिए मूवीज वर्ल्ड के नाम से इस बंदे ने बताया टॉप 10 बेस्ट मैजिक एडवेंचर मूवीज इन हिंदी, 4.1 मिलियन व्यूज हुए, और यहाँ पर इसकी देख सकते हैं 10 मिनट की वीडियो है। उसके बाद इतने सारी की सारी जितनी भी वीडियो बताई है ये सारी हॉलीवुड से, जैसे कि आप देख सकते हैं मिलियनों में व्यूज है। तो यहाँ पर हमने कोई भी एक कैटेगरी को चुन लेना है, तो आपका ये भी एक स्टेप होता है जो आपने करना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल हमने हॉलीवुड का ले लिया है। उसके बाद वीडियो मेकिंग की एक कंडीशन है जो आपने करनी होती है पूरी, उससे पहले दोस्तों मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले तो समझाने से पहले मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद ये सारे एक्सप्लेन करूंगा कि आपने वीडियो बनाते वक्त क्या क्या इनका ध्यान रखना है और क्या क्या आपने प्रोवाइड करना है, अगर आप इस टाइप के कॉन्टेंट पे वर्क कर रहे हो जो की मूवी का है। और यहाँ पर एक और फायदा होता है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जो की फायदा है, टॉप 10 मूवीज के अंदर दोस्तों जो मूवीज के नेम आप बताते हो और मूवीज यूट्यूब पर अगर अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों आपके चांस है कि वीडियो आपकी यहाँ पर रैंक कर जाए, और जिसकी वजह से आप वहां से भी व्यूज गेन कर पाते हो। तो यहाँ पर इस वाले कंटेंट पे वर्क करके इसलिए ये फायदा होता है। तो यहाँ पर अब चलिए जानते हैं हमने वीडियो में कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कुछ इस तरीके से वीडियो क्रिएट करी है, जो कि मैं आपको समझाऊंगा आपने क्या क्या करना है। अब यहाँ पर एक बार इसे प्ले करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अर्निंग सोर्स 3 है जो आप क्रिएट करके अर्निंग भी बना सकते हो,
तो चलिए पहले इसे जान लेते हैं कैसे आपने क्रिएट करना है, उससे पहले एक बार इसका ओवरव्यू। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी हिंदी में जो अवेलेबल है उनके नेम बताने वाले हैं और उनकी कितनी रेटिंग है और आपने देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ये साइंस फिक्शन मूवी को देख लेते हो तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और काफी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी। तो आइए जानते हैं टॉप 5 हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी हिंदी में अवेलेबल है जो। तो दोस्तों टॉप 10 मूवीज हॉलीवुड साइंस फिक्शन हिंदी से रिलेटेड सबसे नंबर 1 पर जो हमने रखी है वो उसका नाम है ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन, जो कि 2009 में मूवी लॉन्च की गई थी। और ये दोस्तों ड्रैगन बॉल एक सीरीज से रिलेटेड ली गई है जिसकी IMDb रेटिंग 10 में से 2.6 की दी गई है वर्ल्ड वाइड। और इस मूवी का बजट था 3 करोड़ का जिसने दोस्तों कमाई की थी 5 करोड़ 82 मिलियन डॉलर के करीब में। और तो ये मूवी में आपको सबसे पहले जादुई सीन्स दिखाए जाते हैं और यहाँ पर सबके पास ह्यूमंस पावर्स होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और लोगों ने काफी पसंद किया है, जो कि एक कार्टून सीरीज से ली गई है। आपका 1 से 1.5 घंटा आराम से काट देगी ये मूवी और आपको इस मूवी को देखने के बाद काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ आप इस मूवी को देखें, ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन, जो कि 2009 में लॉन्च हुई थी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर टॉप 10 मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें कि एक मूवी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पर जो एक मूवी जैसे मैंने एक्सप्लेन करी है उसी तरीके से बाकी मुझे एक्सप्लेन करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स मुझे बताने होते हैं वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर लास्ट में एक चीज अर्निंग सोर्स क्रिएट करा जो कि आपको अभी पता नहीं चला होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैंने लास्ट में बोला कि अगर आपको ये मूवी देखनी है, जो कि बिल्कुल अगर वीडियो पर आया है तो दोस्तों वो जरूर देखना चाहेगा, उसे अगर ये पसंद आती है तो उसे यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलना चाहिए तो वो डाउनलोड भी करेगा। तो डाउनलोड ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों आपने सिंपल मूवी वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है। तो मूवी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए मैं ऑलरेडी ये कोर्स भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने मूवी वेबसाइट फ्री में आप कैसे बना सकते हो वो भी बताया और कीवर्ड कैसे रिसर्च करोगे वो भी बताया। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपने बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो और काफी लोगों ने बाय भी कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर बाय करने के बाद मैं बता देता हूँ, जैसे आप इसे पे कर दोगे तो दोस्तों आप ऑटो रीडायरेक्ट हो जाओगे डाउनलोड पेज पर जहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर एक अर्निंग सोर्स आपको पता लगा कैसे आपने क्रिएट कर लिया, और उसके बाद दोस्तों आपको अगला सोर्स भी बता देता हूँ जो कि अर्निंग का है। उससे पहले वीडियो मेकिंग कंटेंट के आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा अर्निंग सोर्स जो कि है। आपको एक तो पता ही है मूवी वेबसाइट बनाकर आप डाउनलोड करा सकते हैं मूवीज को और उससे अर्निंग कर सकते हो, और दूसरा आपको पता ही है, दूसरा भी यहाँ पर गूगल एडसेंस से, और तीसरा मैं आपको अभी वीडियो के बीच में कभी भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आप जान लेते हैं पॉइंट्स जो आपने कवर करने हैं अपनी जब भी मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हो जो कि टॉप 10 मूवीज में। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका कंडीशन होता है कि आपने इंटरेस्टिंग सीन निकाल लेने हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवी पर काम कर रहे हो जैसे कि हॉलीवुड साइंस फिक्शन, तो साइंस फिक्शन के जितने भी आपके पास सीन्स हैं इंटरेस्टिंग जो आप यहाँ पर शुरुआत में लगा सको तो वो आपने लगा देने हैं इंट्रो में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया। कोई भी मूवी से उसका कोई वास्ता नहीं था लेकिन वो इंटरेस्टिंग यानी कि रिटेंशन बनाने के लिए बस मैंने लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर वॉइस ओवर करनी है, वॉइस ओवर करने के लिए सिर्फ आप स्क्रिप्ट तैयार कर ले, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करी है तो आपने भी कर लेनी है। अब स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद जब आप इंट्रो तैयार करेंगे तो उसके बाद आपने इंटरेस्टिंग सीन लगाते चले जाना है। उसके बाद जैसे आप अपना इंट्रो खत्म कर देते हैं तो उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है टॉप 10 मूवीज में से सबसे पहली मूवीज ये है, तो इस तरीके से आपने बताना है। अब यहाँ पर जब बताओगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, सबसे पहले तो दोस्तों आपने उस मूवी के एक्शन सीन्स जितने भी हैं, इंटरेस्टिंग सीन्स जितने भी हैं, उनके बारे में बताना है। अब ये पता करने के लिए दोस्तों कि कौन से एक्शन सीन्स हैं और कहां पर हैं इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, तो ये सब जानने के लिए बस आपने यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको काफी सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा, ट्रेलर मिल जाएंगे उस मूवी का जिसपे आप रिसर्च करोगे। अब टॉप 10 मूवी कैसे फाइंड करेंगे एक बार ये भी जान लेते हैं। अब जैसे कि टॉप 10 मूवी का कंटेंट फाइंड करने के लिए सिंपल आपने इन वाले चैनल पर चले जाना, और भी दोस्तों आपको चैनल मिल जाएंगे, वैसे तो यही चैनल नहीं है, तो यहाँ पर इन वाले चैनल पर जाओगे तो आपको यहाँ पर काफी सारा कंटेंट आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप टॉप 10 इजिप्शियन मूवी से रिलेटेड कॉन्टेंट बना सकते हो, और उसके बाद दोस्तों टॉप 10 ग्रेट साइंस फिक्शन मूवी इस रिलेटेड कॉन्टेंट बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको कॉन्टेंट की तो कमी नहीं पड़ेगी, इन चैनल पर जाने के बाद आप आइडिया ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल में जाओगे, गूगल में जाने के बाद आपने सिंपल सर्च करना है टॉप 5 या टॉप 10 जो भी आप अपनी वीडियो के रिलेटेड टॉपिक चाहते हो। तो यहाँ पर टॉप 10 साइंस फिक्शन मूवी होती हैं जो दोस्तों यहाँ पर सर्च करते हैं कौन कौन सी है, टॉप 10 साइंस फिक्शन मूवी हॉलीवुड। तो यहाँ पर मैं ये सर्च करता हूँ, जैसे ये सर्च करूंगा तो मेरे सामने काफी सारे आर्टिकल आ जाएंगे, तो कोई सा भी आपने ओपन कर लेना है, और जिसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नेम पता चल जाएंगे, उनमें से दोस्तों आपने अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर लेना है कम से कम 10 मूवीज को। तो यहाँ पर जैसे कि ग्रेविटी है इसे भी आपने ऐड कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपने ये डून के नाम से इसे भी ऐड कर लेना है। इन सबके ट्रेलर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और
और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर अगर आर्टिकल पर जाओगे तो रिसर्च ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल में ऑलरेडी लोगों ने रिसर्च करके प्रोवाइड करी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए काफी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ग्रेविटी मूवी है जिसे आप ऐड करोगे, तो इसे अगर एक्सप्लेन करते हो तो आपने इसमें क्या क्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज इन्होंने बताई गई है कि आईडीएम रेटिंग में 10 में से इसे 7.7 स्टार की मिली है, और यहाँ पर इस मूवी का नाम यह है, ये बंदा इस मूवी का डायरेक्टर है, तो ये आप अपने स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। दोस्तों ये जो कंटेंट आप क्रिएट करोगे इसके लिए जो कंटेंट की वीडियोस है वो आपको कहाँ से मिलेगी वो भी बता देता हूँ। तो सिंपल दोस्तों आपने यूट्यूब में ही चले जाना है, यूट्यूब में जाने के बाद आपने जो मूवी का कॉन्टेंट लेना है आपने उसका नाम यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ये नाम सर्च करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा इस मूवी का, जो आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने का तरीका सब लोगों को पता है, तो सिंपल डाउनलोड करने के बाद दोस्त लेकर चले जाना है अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, और ये काम आप अपने काइन मास्टर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ले जाने के बाद सबसे पहले तो आपने इसकी वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर देनी है। अब वॉल्यूम बंद करने के बाद दोस्तों इसकी हल्की सी ओपेसिटी आपने बस हल्की फुल्की सी कम कर देनी है 1-2%। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन जो है इसे चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आपने सिंपल इसे उलट पुलट कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने इसका फ्रेम जो है दूसरी साइड कर दिया, तो यहाँ पर इसका ये इस तरीके से फेड कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी आप वीडियो यूज करोगे आपने ये करना है, और इसका थोड़ा साइज मैक्सिमम कर देना है जिससे कि दोस्तों यहाँ पर YouTube डिटेक्ट ना करे कॉपीराइट। तो अब यहाँ पर ऐसा करने से आपके काफी ज्यादा चांस बनेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप यहाँ पर अपलोड करते हो ऐसे करके। तो यहाँ पर आपने अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉपीराइट क्लेम से रिलेटेड तो दोबारा से एडिट कर देनी है। वैसे जहां तक अगर ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप ये काम कर रहे हो वैसे ये रिव्यूज में आता है, यानी कि आप अगर वॉइस ओवर कर दो दूसरे के कॉन्टेंट में तो भी आप यहाँ पर उसे अपना कंटेंट कह सकते हो। अब यहाँ पर आपने कंटेंट फाइंड करने का स्ट्रेटेजी जान लिया, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपने अब बताना है इंटरेस्टिंग सीन और एक्शन सीन, ये भी आपने जान लिया कि कौन कौन सा इंटरेस्टिंग सीन है और एक्शन सीन है उन वीडियो के ट्रेलर से। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कि आप आईडीएम रेटिंग बताएं, जैसा कि हमें आईडीएम रेटिंग यहाँ पर पता चल चुकी है। इसी के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगली मूवी की आईडीएम रेटिंग इतनी है, तो ये सारी दोस्तों आपने एक्सप्लेन करनी है अपने स्क्रिप्ट में। तो उसके बाद अगला आपने बताना है यहाँ पर मूवी लॉन्चिंग डेट, किस तारीख में ये लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर जैसे कि इस मूवी को 2016 में लॉन्च किया गया और कौन सी डेट में किया गया वो भी आप बता सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप गेन करोगे उसके बाद उतनी ज्यादा आप स्क्रिप्ट में ऐड कर पाओगे इस जानकारी। तो उसके बाद दोस्तों आप ये बता सकते हो लॉन्चिंग डेट, और उसके बाद आपका अगला काम आता है कि वो मूवी कितने में बनी है। अब एग्जाम्पल यह सारी की सारी ये सारी चीज बताता हूँ कैसे आपने पता करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे कि एक मूवी है ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन, ये एक मूवी है जो कि आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं सारी डिटेल, जो कि मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर ये ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन मूवी है, तो इसका आपने सबसे पहले नाम बताया, उसके बाद ये लॉन्चिंग डेट कब हुई थी 2009 में, ये 1.5 घंटे की मूवी है। उसके बाद दोस्तों आप इसका आईडीएम रेटिंग चेक करने के लिए आईएमडीबी सर्च करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये जैसे ही सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आएगी जिसे आपने ओपन करना है, तो आपको रेटिंग पता चल जाएगी 10 में से कितनी दी गई है। स्क्रिप्ट में ऐड कर दें 10 में से 2.6 की रेटिंग दी गई है, और थोड़ा बड़ा चढ़ाकर आपने बता देना है बस वीडियो का ट्रेलर देखने के बाद। अब यहाँ पर ये जानकारी मिली, उसके बाद आपने अगला पॉइंट क्या बताना है, यहाँ पर इसका बजट कितना था, कितने में ये बनी है मूवी, ये आपने बताना है। ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन आईएमडी को हटाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर बजट लिख देना है। तो यहाँ पर बॉक्स ऑफिस बजट, तो यहाँ पर कुछ भी आपने लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो इसका बजट था 3 करोड़ USD, तो यहाँ पर 3 करोड़ USD आप स्क्रिप्ट में ऐड कर दें जो एक्सप्लेन करेंगे अपनी स्क्रिप्ट में। और उसके बाद दोस्तों आपका अगला पॉइंट है कि कितना इसने अर्न किया, तो यहाँ पर अर्निंग आपने सर्च करना है, अर्निंग आपको यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं $58.2 million की इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अर्निंग करी, जो कि आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी जानकारी आपने इकट्ठी कर ली और स्क्रिप्ट में ऐड कर ली। अब यही सेम सारी की सारी जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट के ये पॉइंट्स बताए हैं, यही सेम दोस्तों आपने अगली मूवी जब आप बताएंगे तो उसमें यही सारे सेम पॉइंट्स को कवर करना है। जैसे कि सेकंड मूवी एक्सप्लेन करेंगे उसमें भी सेम करना है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवे में भी, ऐसे दोस्तों आपने 10 तक करते जाना है। अब ये सब काम करने के बाद आपकी एक वीडियो तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर तैयार करी है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि आप इसे रैंक कैसे कराएंगे। रैंक कराने का सबसे ज्यादा अच्छा मेथड दोस्तों सजेशन है। सजेशन में आप रिसर्च करेंगे अगर शुरुआत से तो आपको यहाँ पर व्यूज भी देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पर वो जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आप ये भी बता देता हूँ अर्निंग एफिलिएट में आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, जो कि तीसरा सोर्स है आपका इस टाइप के कंटेंट पे वर्क करके। तो अर्निंग सोर्स यहाँ पर एफिलिएट से भी आपकी हो सकती है। देखिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इनके लिंक ऐड करने हैं, नेटफ्लिक्स का एफिलिएट ज्वाइन करके, G5 का, डिज्नी हॉटस्टार का, अमेजोन प्राइम वीडियो का, इन सब का अगर आप एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन कर लेते हो तो आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में देना। जैसे वहां से कोई लिंक पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन को बाय करता है तो दोस्तों आपको कमीशन मिलेगा एक अच्छा खासा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां से और अर्निंग कर सकते हो। तीन सोर्स आपके बनते हैं यहां पर अर्निंग करने के, और इनका अगर आपको ज्वाइन करना नहीं आता कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो इनका एफिलिएट नेटवर्क, तो दोस्तों मैंने इसके रिलेटेड अपने कैश फ्लो यूट्यूब चैनल पर भी बना दिया, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर वीडियोस को देख सकते हो कि आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और वहां से कैसे आपने एफिलिएट ज्वाइन करना है। तो ये सब करने के बाद आपको अगला स्टेप आता है सजेशन का, चलिए अब वो बता देता हूं। सजेशन के लिए दोस्तों आपने सिंपल YouTube में चले जाना है, और YouTube में जाने के बाद आपका जो यहाँ पर टॉपिक है वो आपने यहाँ पर सर्च करना है, जैसे कि टॉप 10 या टॉप 5 जो भी आपका टॉपिक है वो आपने सर्च करना है। टॉप 10 sci-fi, जैसे कि यहाँ पर लोग सर्च करते हैं sci-fi मूवी इन हिंदी, या आप यहाँ पर ये वाला कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च होता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये काफी ज्यादा यूजफुल तरीका है, और मेरी काफी सारी वीडियोस भी वायरल ऐसी हुई हैं जो दूसरे कंटेंट पे मैं वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे ये वाला कीवर्ड जो यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, तो उसके बाद आपने फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दिस वीक पर सेलेक्ट कर लेना है या दिस मंथ पर। तो बस आप यहां पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने वो सारी की सारी मूवी आ जाएंगी जो इस महीने के और इस हफ्ते के बीच में वीडियोज अपलोड हुई है। तो अब यहाँ पर बस आपने फाइंड करना है कि कौन सी वीडियो कम सब्सक्राइबर वाले चैनल पर ज्यादा वायरल हुई है, तो वो आपने यहाँ पर अब फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 35 के व्यू 3 दिन में आए हैं, तो यहाँ पर एक दिन में 48 के व्यू आए हैं, उसी तरह 3 दिन में इसके 35 के व्यू आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लाखों में कोई सी वीडियो गई है नहीं गई है, तो यहाँ पर देखते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 दिन पहले ये वीडियो अपलोड करी है जिसपे 1,13,000 व्यूज आए हैं, तो यहाँ पर ये अच्छे खासे व्यूज गेन कर रही है अभी भी। तो सिंपल दोस्तों आपने इसे ओपन कर लेना है, और दोस्तों आपने काफी सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो दोस्तों अच्छे खासे व्यूज गेन करते हैं। बस आपने उन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत के तुरंत कंटेंट क्रिएट कर देना है, जैसे कि ये वाला चैनल है इसे आपने सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ये कंटेंट कोई भी अपलोड करता है या कोई भी पब्लिश करता है तो उससे ही सेम रिलेटेड बिल्कुल सेम, तो आप यहाँ पर बस थोड़ा सा अलग कर सकते हैं लेकिन टॉपिक सेम, आपके टाइटल टैग सब आपका सेम होना चाहिए। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपकी इस चैनल के इस वाली वीडियो जो रैंक कर रही है उसके सजेशन में चली जाएगी। अब यहाँ पर ये रैंक कर रही है तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे सिंपल इस वीडियो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपल आपने विड आईक्यू का एक्सटेंशन यूज कर लेना है, जिसमें कि दोस्तों आपको ये सारे टैग प्रोवाइड कर देता है जो भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है। तो यहाँ पर सिंपल कॉपी करके एक क्लिक करके ही दोस्तों सर बर्थडे कोई पागलपन करते हैं पर ये कुछ ज्यादा है इस बार, इन्हें अपनी जब वीडियो बना लेंगे उनमें जाकर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है और टाइटल है, टाइटल दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इसे कॉपी करके अपने चैनल अपनी उस वीडियो पर पेस्ट कर देना है जिस पर आपको व्यूज चाहिए। और यहाँ पर देखिए इसके 458 व्यूज पर आवर की स्पीड से अभी भी आ रहे हैं, और यहाँ पर इसके अगर चैनल के व्यूज दिखाऊं तो 37,000 डेली के व्यूज आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल व्यूज 1.1 मिलियन आ चुके हैं, 1.1 मिलियन 30 डेज के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि दिखाया था काफी ज्यादा व्यूज आते हैं, 25 मिलियन के करीब में टोटल व्यूज है इस चैनल के सिर्फ। तो ऐसे काफी सारे चैनल है तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर इस बंदे ने देखिए टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है जहाँ पर ये प्रोवाइड करता होगा मूवीज, वहाँ से भी पैसा कमा रहा है, फेसबुक से भी कमा रहा है, और इंस्टाग्राम और ये सारे इन्होंने लिंक दिए हैं जहाँ से मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, मूवी डाउनलोड लिंक भी। तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट दे सकते हैं आप ऐसा ना करके, तो यहाँ पर ये भी आपको फायदा होता है। अब यहाँ पर जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग्स हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाले इसने हैशटैग लगाए हैं तो आप सिंपल जाकर अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लगा देंगे, उससे दोस्तों ये होगा कि आपकी ये सजेशन में चली जाएगी, चांस आपके कम से कम 70% है। तो आपने रेगुलर अगर आपने सजेशन पर काम किया तो आपके सजेशन में जाने के ज्यादा चांस बनते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि कम कंपटीशन वाले, जैसा कि यहाँ पर दिखाता हूँ बेस्ट साईफाई ऑन साईफाई मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, तो यहाँ पर हिंदी और सर्च करते हैं इन हिंदी डब, ये वाला एक कीवर्ड है जो लॉन्ग कीवर्ड है, तो आपने विड आईक्यू का एक्सटेंशन यूज करोगे तो यहाँ पर ये वाला कीवर्ड को पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि इसका कॉम्पिटिशन कितना है, मीडियम है दोस्तों, यहाँ पर इतना सर्च वॉल्यूम है, ये सारी की सारी डिटेल दिखा देता है। तो यहाँ पर ये आपको जानकारी मिलेगी विड आईक्यू एक्सटेंशन में। और दोस्तों और ज्यादा कीवर्ड निकालने के लिए सिंपल विड आईक्यू का जो प्रो वर्जन है उसमें मैंने ले रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और ज्यादा आईडिया निकालने के लिए लॉन्ग कीवर्ड के। सिंपल मैं यहाँ पर सर्च बार पर जाऊंगा और यहाँ पर एंटर क्लिक करूंगा,
और ओवरव्यू में जाना है। ओवरव्यू जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें दिखा देगा इसका जो कॉम्पिटिशन है 43 है, सर्च वॉल्यूम इतना है। तो आप यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड पर क्लिक करेंगे, रिलेटेड कीवर्ड में हमें मीडियम कीवर्ड मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा हाई सर्चिंग टॉप 10 में है, तो आपने इसे भी यूज करना है क्योंकि इन कीवर्ड पर भी हमें रैंक करानी है, ये ज्यादा सर्च किया जाता है। अब लो कंपटीशन वाले भी अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप दूसरा कीवर्ड सर्च करेंगे, तो दूसरा सर्च करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर सर्च करूंगा टॉप 5 मूवी हॉलीवुड हिंदी साइफाई, तो कुछ इस तरीके से मैंने सर्च किया। तो देखते हैं इसका कंपटीशन कितना है, तो यहाँ पर इसका 50 कंपटीशन है, इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस वाले चैनल को भी ऐड कर सकते हैं जिसका 3000 के करीब में वॉल्यूम है। तो रिलेटेड कीवर्ड पर और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें और लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड दिखाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर और लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड भी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप 10 हॉलीवुड मूवी इन हिंदी ऑन यूट्यूब 2022। इस वाले कीवर्ड को हम अपने टैग में लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं या टाइटल दे सकते हैं इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से ये सारा का सारा काम होता है दोस्तों, जो आज की वीडियो में मैंने बताया। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से जानने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो अर्निंग के साथ। तो चलिए वीडियो आज की खत्म करते हैं।